वेल गाइस, तो फाइनली WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू ओवर हो चुका है, जहां पर आज WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर हमें दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एक्शन में देखने को मिले। और गाइस, पहली बार कोडी रोड्स हमें WWE के अंदर UK के अंदर पेपर व्यू पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर आज WWE के मनी इन द पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स हमें डोमिनिक मिस्टीरियो को फेस करते हुए दिखाई देते हैं। और गाइस, इन दोनों के इस मैच के लिए वुमन चैंपियन रिया रिपली रिंग साइड एरिया पर होते गए। बट गाइज, मजेदार बात तो ये थी कि आज यहाँ पर कोडी के इस मैच के शुरू होने के पहले ही डोमिनिक मिस्टीरियो कोडी पर अटैक कर देते गए, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे रेफरी और डॉक्टर्स आकर कोडी रोड्स को चेकआउट करने लगते गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी कोडी मैच को कंटिन्यू करते गए। और गाइज, इसके बाद इन दोनों के बीच में हमें बैक एंड फोर्थ आज बहुत ही बड़ा ब्रॉल वाला मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के अंदर रिया रिपली हमें काफी टाइम पर इंटरफियर करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर कोडी रोड्स बैक टू बैक उनका पावर स्लैम और डिजास्टर किक हिट करते गए। और गाइज, इसके बाद कोडी उनका फिनिशर हिट करने वाले होते गए, तभी सडनली रिया रिपली इंटरप्ट कर देते गए, जिसकी वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो कोडी के ऊपर 619 हिट कर देते गए। बट गाइज, इसके बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर कोडी रोड्स डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अलबामा सेल हिट करते गए। और गाइज, इसके बाद फाइनली कोडी कटर और क्रॉस रोड के साथ कोडी रोड्स डोमिनिक मिस्टीरियो को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए। और गाइज, WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स को एक और बड़ी सिंगल विक्ट्री मिल चुकी है।